आपसे बात हो गई बहुत हाँ बेटे, बहुत हाँ, वही थोड़ा सा मतलब जानकारी लेना था अपने बारे में। मतलब बहुत कष्ट में है हम, तो आपका बहुत नाम सुने थे यूट्यूब पर, इसीलिए हम कॉल किए थे। अच्छा, हाँ, हेलो। कष्ट तो सभी तरफ से है बेटे, आपको चारों तरफ से ही कष्ट महसूस हो रहा है। हाँ एक बार, जीवन के कोई हाँ भी रास्ते आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारे लिए खुला हुआ है, शुभ मार्ग? हाँ बात तो सही बोल रहे हैं, हर रास्ते पर ही कष्ट है मेरा। हाँ, और आर्थिक की भी परिस्थिति गड़बड़ है, मानसिक स्थिति भी गड़बड़ है, हाँ शारीरिक स्थिति भी गड़बड़ हो रही है बेटे। हाँ हाँ मतलब थोड़ा सा शरीर, थोड़ा सा भारीपन आ रहा है शरीर। हाँ बेटे, अब हाँ आपको केवल ये जवाब देना है कि जितना मैं फल आपके जीवन का भाग्य फलादेश कर रही हूँ, वो पूर्ण सत्य है या हाँ हाँ नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल सही है, जो जो बोल रहे हैं सही है सर। हाँ, हाँ जीवन में आपने अपने जीवन में बहुत सुख देखा अपने मेहनत से। आज जो भी कुछ भी है तो आप अपने ही कर्मों के द्वारा शुभ फल को प्राप्त किए हैं। हम अपने कर्मों के द्वारा, शुभ फल को मतलब खुशी प्राप्त किए हैं, हाँ वो किए थे। नहीं अपने आगे वाले जीवन की बात कर रही हूँ बेटे। आज से अच्छा पहले वाला जीवन आपका हाँ जो जो, सुखमय व्यतीत हुआ वो आपके अपने कर्मों से, लेकिन हाँ सभी वो, के, हाँ वो सही है। हाँ आपने सभी के जीवन में खुशियां भरने की कोशिश किया है हर बार। हाँ हाँ ये बात भी सही है। और आपके कई जन्मों के जब पुण्यों का प्रताप जागृत होता है, तब जाकर के महाविद्याओं की शरण प्राप्त होती है भक्त को। अच्छा, और जब कई जन्म के पुण्य उदय होने से महाविद्याओं की शरण प्राप्त होती है, और अनेक जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का जब उदय काल का समय आता है, तब माँ महाविद्याओं में श्रेष्ठ महाविद्या माँ ब्रह्मास्त्र विद्या बगलामुखी की शरण और उनका सानिध्य प्राप्त होता है बेटे। हाँ हम उन्हीं शरण में हम आए हैं जिन मनुष्य काफी। के जीवन में ब्रह्मास्त्र विद्या की शरण मिल जाती है, उनके जीवन में फिर कष्ट रहता ही नहीं है बेटे। हाँ मुझे शरण में हम लाए हाँ, और मनोस्थिति आपकी स्थिर नहीं लग रही है, शारीरिक स्थिति भी डगमगा रही है, पारिवारिक हैं। हाँ वो बात है, पारिवारिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। स्थिति पारिवारिक मतलब स्थिति है? मेरे मम्मी पापा या फिर मेरे मैरिड लाइफ किस तरफ। आपकी मैरिड लाइफ और मम्मी पापा के तरफ से भी अनबन अनबन चल रही है। हाँ हाँ वो तो है। अभी मेरा सबसे बड़ा जो प्रश्न था, ये मेरा कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है अभी से नहीं, 4 साल से ही लगा हुआ है, जब से शादी किए हैं तब से ही। मतलब ऐसी लड़की मतलब कि आई शादी के बाद से ही कोर्ट कचहरी, इतना मतलब कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है, और अभी तो जेल जाने तक का नौबत मेरा आ गया। अब क्या करे नहीं करे कुछ समझ में नहीं आ रहा, झूठा इल्जाम पर फंसा दिए और बहुत मुश्किल में है हम। और मेरा जो परेशानी है इसका छूट मतलब छुटकारा इससे कम कब तक होगा, कब तक हम इससे बाहर निकल पाएंगे, यही जानना था। कब तक आप माँ भगवती की श्री चरणों में अपना ध्यान लगाते हैं, कब तक आपकी स्वयं की भक्ति प्रबल होगी? आपके छुटकारा पाने का आप डेट ना लेकर के अपनी भक्ति में प्रबलता से आप समर्पित हो जाएं। जितना जल्दी आप माँ भगवती से प्रार्थना प्रारंभ करेंगे, उतना जल्दी सब सुलभता से आपका जीवन यापन होगा। ऐसे मंगल कामनाएं मैया से करें, क्योंकि हाँ भगवान पे संशय करने से पूर्व है हमारी भक्ति में संशय करके हम अपनी भक्ति को और ज्यादा बढ़ा लें। मैया वो तो हम जल्द से चलो, जल्द आने वाले हैं, लेकिन अभी संभावना कुछ ऐसा बन रहा है कि कब गिरफ्तारी का वारंट आ जाएगा, कब हम जले जाएंगे जेल, वो भी कुछ क्या पता नहीं ये चल रहा है। कारण ये हुआ है बेटे? क्योंकि आपके, आप दोनों के बाद में शादी के बाद में मतभेद रहा है। आप हाँ 12 दिन भी अच्छे नहीं रहे हैं शादी के बाद में, खटपीट शंका की दृष्टि बनी रही है, शक, हाँ गलत आरोप लगाना, तुम ऐसे तुम वैसे, और तुम जो है, आप जो है ना, सबूत देते देते थक गए। वो तो लेकिन जो जो बोली हम सब कर दिए, लेकिन हाँ, फिर भी
वो आप बोल रही है कि वो खुद अब रहना नहीं चाहती है। हाँ तो माँ भगवती से जल्दी प्रार्थना करें कि मैया इस काल कोठरी से हमें मुक्त कराओ, वहां जाने के योग ना बने, मैया से प्रार्थना आप करें। ठीक है और बेटा। एक अंतिम सवाल था मैं, मेरी मम्मी का पैर में दर्द रहता है, तो उसके लिए मतलब 10 साल से परेशान है, तो उसके लिए भी कुछ आपकी मम्मी का शुभ नाम है मंजू मंजू। देवी। हाँ मंजू मंजू, देवी का सिंह राशि का राशि सौम्य सूर्य है, उनको ब्लड की गति गड़बड़ हो रही है उनके पैर में, ब्लड जो है, अच्छा। हाँ, ब्लड की हाँ गति डिस्टर्ब होने के कारण उन्हें पैर में कभी झुनझुनी कभी दर्द ऐसा होता है, झुनझुनाहट टाइप का, फिर दर्द होता हाँ है। हाँ तो ये भी लंबा समय हो गया है, इसका भी मूल कारण जब आप आएंगे तो मैं समझा दूंगी, उपाय कर लेना, आप ठीक हो जाएंगी माता जी आपकी। ठीक है। ठीक है बेटे। हम देखते हैं 28 तारीख इसके के लिए क्या पहले। है, माता जी के लिए आप अगर डॉक्टरी इलाज भी करते हैं तो आपको पूर्ण सफलता डॉक्टरी में भी नहीं प्राप्त होगी, इलाज हाँ वो तो बहुत करने सारा पर इलाज भी करते पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होगी। इस विषय को हैं, लेकर के अगर आप झाड़नी जैसे कि फूकना मम्मी को लेकर के आना हो। तो और अति उत्तम है, माता श्री को ले आएंगे तो माता पिता के साथ ही अपन को देव दरबार में जाना चाहिए, यात्रा मंगलमयी होती है। अच्छा, हम कोशिश करेंगे। जगत जननी माँ के दरबार में जन्मदाता माँ के साथ आते हैं, उसका प्रभाव भी और कुछ होता है बेटे।